प्रदेश के अंदर गन्ना उत्पादक किसानों के साथ क्या व्यवहार होता था, ये तो किसी से छुपा हुआ नहीं है, कोई किसी से छुपा हुआ नहीं है। लोग अपने खेतों में आग लगाते थे किसान। आज प्रदेश के अंदर हमारी सरकार आई, रमाला चीनी मिल, चौधरी चरण सिंह जी की कर्म भूमि की चीनी मिल, हमने उसका पुनरुद्धार किया। मुंडेरवा और पिपराई चीनी मिल, ये नई चीनी मिलें लगाई गई। मुंडेरा के नाम पे राजनीति आप करते थे, चीनी मिल हमारी सरकार ने वहां लगाया, डबल इंजन सरकार ने वहां लगाया। पिपराइच में चीनी मिल हमारी सरकार ने लगाया, मोदिनपुर चीनी मिल हो या अन्य तमाम चीनी मिलों के पुनरुद्धार का कार्य किया गया। और अब तक महोदय 1,98,434.98 करोड़ रुपए के गन्ना मूल्य का भुगतान भी हमारी सरकार करवा चुकी है, जो अन्नदाता किसान के खाते में गया है। और अगर मैं तुलना करूं 5 साल की तुलना में, तो यह समाजवादी पार्टी की सरकार के समय के कुल गन्ना भुगतान से 1,02,000 करोड़ रुपया अधिक है। बकाया की बात कर रहे थे, अभी प्रदेश के अंदर 5,800 करोड़ रुपया बकाया है। 100 से अधिक चीनी मिलें आज के दिन पर, 117 चीनी मिल वर्तमान में चल रही हैं, 100 से अधिक चीनी मिलें ऐसी हैं जो 10 दिन के अंदर गन्ना मूल्य का भुगतान कर रही हैं। क्या यह कभी समाजवादी पार्टी की सरकार के समय हुआ है? क्या कभी नहीं हुआ? यहां पे अन्नदाता किसान के लिए जो भी करना होगा, आपके समय तो चीनी मिलें बंद होती थी, और मैं फिर इस बात को कह सकता हूं, कोरोना काल खंड में भी चीनी मिल चलाई थी, जब तक अन्नदाता किसान के खेत में गन्ना होगा तब तक चीनी मिलें प्रदेश के अंदर चलेंगे।